नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे कॉनकेटिनेट का यूज हम कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली कॉनकेटिनेट का यूज हम करते हैं दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले कोई फंक्शन यूज करने के लिए एक्सेल में इक्वल, अब हम टाइप करेंगे CON कॉनकेटिनेट। पहला आता कॉनकेट। तो बेसिकली ये जो है 2016 में आया है शॉर्ट वर्जन कॉनकेट। आप कॉनकेट यूज कर सकते हो और बाकी के उससे अलग वर्जन में 2016 से नीचे वाले वर्जन में 2013 में या 2010 में हम कॉनकेटिनेट का यूज करोगे। तो हम पहले करेंगे कॉनकेटिनेट का, सॉरी कॉनकेटिनेट, उसके बाद हम टैब प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे लिखा टैक्स का, देखो सिंटैक्स देखो, टैक्स वन टैक्स टू टैक्स थ्री आपको जितना भी ऐड करना है। तो हम पहले करेंगे टैक्स वन, यानी कि हमें टैक्स वन ले लेंगे और टैक्स टू हम ये ले लेंगे डायरेक्टर। और ये क्या कहते हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंटर। तो देखा हमने यहाँ पे हमारा डेटा आ गया। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जब कॉनकेटिनेट का यूज करते हैं तो यहाँ पे स्पेस नहीं आता। तो हमें स्पेस लगाने के लिए स्पेस को लगाना पड़ेगा। पहले हम कॉमा लगाएंगे, डबल कोट, स्पेस और एंटर। तो देखो हमारे यहाँ पे ये हम इसे ड्रैग कर सकते हैं। सेम एज इट इज हम इसे तीन स्ट्रिंग ले लेंगे। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। अब हम दूसरे वाले कॉनकैट वाले यूज करेंगे। कॉनकैट टैक्स वन टैक्स टू एंड टैक्स थ्री, ये कर दिए, सेम आ गया डेटा आ गया। अब हम इसमें भी स्पेस नहीं आ रहा, तो हमें स्पेस लाने के लिए सेम। दोस्तों ये बड़ा इजी है, आप अगर यूज करोगे तो आप भी आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और हो सके तो चैनल भी सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।